नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के दौसा से है, जहां दौसा ज़िले के सिकराय में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सभागार में आयोजित की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। बिजली, पानी, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कार्यों की जानकारी लेते हुए सवाल जवाब किए। CMHO डॉक्टर सुगनलाल मीणा मंत्री के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। वहीं रसद विभाग की समस्याओं पर इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा को तलब किया। इस बैठक पर मौजूद सदस्य व मंत्री जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इस पर मंत्री ने फटकार लगाते हुए समस्या समाधान के दिशा निर्देश दिए। बैठक में आए सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान के निर्देश दिए। वहीं अगली बैठक तक किसी प्रकार की समस्या नहीं रहने की भी बात कही। विद्युत विभाग सिकराय कार्यालय की खामियों पर जल्द सुधार के दिशा निर्देश जारी किए। धूलकोट में आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाने, महिला एवं बाल विकास में पोषाहार की गुणवत्ता पर जोर देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रधान बादाम देवी सैनी, SDM मीनाक्षी मीणा, विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान, N. रमेश मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सिकराय दौसा से संवाददाता योगेंद्र गुर्जर की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज था उससे पूरी सिकराय क्षेत्र का आमूलचूल ढांचा बदल चुका था और पूरा हर चीज, हर विभाग पटरी से उतरा हुआ है। हमें बड़ी मुश्किल से हर चीज को लेकर आना पड़ेगा। इतनी अव्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के समय में हो गई थी कि उनको सबको सुचारू रूप से चलाने में बहुत वक्त लगे। कौन सी समस्या थी जो सबसे ज्यादा? सभी तरह की, पानी, बिजली, रसद की समस्याएं, तमाम समस्याओं से मुझे आज वाकिफ होना पड़ा और मैं उम्मीद करूंगी जनप्रतिनिधियों से भी या अधिकारियों से भी कि सब मिलके सामंजस्य बिठा के हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लाभान्वित करवाना चाहते हैं उन तक हम लोग पहुँचे। सभी अधिकारी हमारी